आप जो है किसी भी इमेज के अंदर एक कर्व्ड बिल बोर्ड के ऊपर आप जो है किसी भी टाइप के बैनर को इंस्टॉल तो नहीं मतलब लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अपन ने ये देखा था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना चाह रहे हो कोई भी बैनर, तो आप लगा सकते हो बहुत सिंपली डिस्टॉर्ट की मदद से। लेकिन अब अगर जब आपका कर्व हो जाता है तो वहाँ पर आप डिस्टॉर्ट से जो है नहीं लगा सकते, है ना। तो यहाँ पर कैसे लगाना है, बहुत सिंपल है। पहला आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर एक नई लेयर बना लेता हूँ। फिर आपको जाना है हमारे उसमें, यहाँ पर जो क्रॉपिंग टूल्स होते हैं इसके नीचे, जो आई ड्रॉपर टूल है इसके नीचे, ये यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो रूलर टूल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आपका हो सकता है कि इसके अंदर आपको मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर रूलर टूल अगर आप फाइंड करते हैं, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी हाइट देखनी है और इसकी विड्थ देखनी है। अच्छा, अब हाइट तो बड़े आसानी से देखी जा सकती है, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ ड्रैग किया, जो L1 है वो है 607 यानी 604 यानी कि 600 पिक्सल्स के आसपास का रहेगा, ठीक है। लेकिन वॉट अबाउट द विड्थ, बिकॉज ये तो कर्व्ड है, तब क्या करेंगे, तो अपन सिंपली जो इसका मैक्स अपन देख सकते हैं उतना ले लेंगे। इसका 990 यानी कि 1000 के आसपास का हो रहा है, तो अपन इसका थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। आपको कर्व के हिसाब से देख लेना कि कितना ज़्यादा हो सकता है, तो अपन जो है इसको अराउंड 1100 मान लेते हैं, चलो यानी कि 1100, ठीक है। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं क्लियर। अब यहाँ पर जो अपन 1100x600 पिक्सल्स का एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं 0, और यहाँ पर इसकी जो विड्थ और हाइट है इसको पहले अपन यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, लिंक हटाते हैं, उसके बाद यहाँ पर टाइप इन करते हैं 1100px, ठीक है, बाय 600px, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, हो गया। उसके बाद कंट्रोल टी करेंगे, फिर नॉट टी, दैट्स कंट्रोल टी, मैं टी दबा रहा हूँ तो टेक्स्ट टूल पे ले गया, कोई बात नहीं। मूव टूल पे जाना है, कंट्रोल टी करना है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, फिर जाना है आपको डिस्टॉर्ट के अंदर। अच्छा, फिर अभी आप बोलोगे कि ठीक है भाई, पहले भी आपने बोला कि डिस्टॉर्ट के अंदर होगा, तो अभी भी आप डिस्टॉर्ट में ही जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। डिस्टॉर्ट में अपन इसलिए जा रहे हैं ताकि अपन चारों कोने प्लेस कर सके, ठीक है। पहला कोना आपको जिस पे लगाना है वहां पर आपको मतलब चारों कोनों को अलाइन कर लेना है, ठीक है। चारों कोनों को जब अलाइन कर लेंगे उसके बाद में आपके पास में कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला गलत हो गया है, इसको वापस से सेट कर लेते हैं। सो ये हो गया डन। देन राइट क्लिक करेंगे और इस बार जाएंगे वॉर्प के अंदर, ठीक है। इस बार वॉर्प के अंदर जाने के बाद आपका ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको जो है ऊपर लेके जाना है कुछ इस तरीके से, और ये वाला को भी ऊपर लेके जाना है, और इतना बनाना है कि आपके पास में ये काफी अच्छे तरीके से बन जाए, ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर सेट है, यहाँ पर सेट है, लेकिन यहाँ सेट नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक और पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ में आपको बनाना है तो यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को करके थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास में कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ में एक और बना लेते हैं यहाँ पर पॉइंट, ये वाला सही लग रहा है, और अब ये अपना ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल सही तरीके से रेडी हो चुका है। अब नीचे वाले को भी सेट कर लेते हैं फटाफट से, तो पहले इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से अपन जो है सारे पॉइंट्स को एकदम बराबर सेट करना है आपको, अभी देखो ये जो लाइंस है ना ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी, जैसे जैसे अभी आ रही है और टेढ़ी हो रही है, तो ऐसा टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट को भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं और यहाँ से इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लिक करते हैं ओके, तो अब आपके पास में डन हो चुका है। इसकी ओपेसिटी वापस से इंक्रीज कर देते हैं, अपना बन चुका है बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ जो है लाइक लाइट लैंप्स हैं जिनको अपने को इसके ऊपर लेकर आना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे मास्क, ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रश सेलेक्ट करके आप जहाँ पर भी हटाना चाहो जो एरिए पे वो हटा सकते हो, ठीक है।
बाकी एरिया पे वापस से अपन जो कलर कर देंगे वाइट से, सो दैट ये जो है यहाँ पे विजिबल हो जाए। राइट, ये हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट रेडी। और अब अपने को क्या करना है, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपको जो भी बैनर है आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अभी लेट्स से मुझे वहाँ पर लिखना था मनीष, मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल आराम से, वाइट कलर ही रहने देते। चलो कलर चेंज करेंगे, ग्रेडियंट डालेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा मनीष, ठीक है इसको बड़ा कर लेते हैं और इसके पीछे एक ग्रेडियंट डाल लेते हैं, एक रेड एंड ग्रीन कलर का। ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ जाके चेक करेंगे तो आपके पास में इस टाइप का एक कर्व्ड बिलबोर्ड जो है रेडी हो चुका है। राइट, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक कर्व्ड बिलबोर्ड के ऊपर जो है आप आराम से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।